बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस खूबसूरत हंडोला लिफ्ट का। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग बाहर के मुल्कों की तरफ ऐसे लालच भरी निगाहों से देखते हैं, हत्ता के ऐसे अरब के गर्म ममालिक की तरफ भी, चूँकि वहाँ रोज़गार के बहुत अच्छे मौक़े हैं फिल वक्त तक। अल्लाह करेगा ये मौक़े इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जल्द पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म और फजल से। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक दफ़ा लाजमी लाजमी ज़िंदगी में वादी स्वात की तरफ रुख ज़रूर कीजिए। जितनी ये ख़ूबसूरत वादी है, हम लोग अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, सफ़रनामों में पढ़ते हैं, लोगों की ज़ुबानों से सुनते हैं कि ये बर्रे आज़म एशिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड है। तो इसको ऐसे नहीं कहा गया बर्रे आज़म एशिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड, ये वाकई किसी भी स्विट्ज़रलैंड से किसी हद तक कम नहीं बल्कि उससे बढ़कर ही होगा। तो आप यहाँ इस ख़ूबसूरत वादी में, इस ख़ूबसूरत खित्ते ज़मीन पर, इस ख़ूबसूरत अल्लाह की नेमतों से भरपूर वादी में तशरीफ़ लाएं, सोनी धरती एडवेंचर्स के पैनल पर या चाहे अपने तौर पर। लेकिन मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तानियों से कि वो वादी स्वात का रुख ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए, आप जब यहाँ आएंगे तो जो मैं अल्फाज, अपने एक्सप्रेशंस, अपने दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जब वो आप आकर ख़ुद अपनी निगाहों से और अपनी निगाहों को खीरा करके देखिएगा तो तब मेरा पैगाम आप तक इंशाअल्लाह आपके दिल तक पहुँच जाएगा। उस वक्त दूर उफक पर पहाड़ों की चोटियाँ, उफक पर बादल और आसमान की नीली छतरी तले बुलंद वाला पहाड़ जिन्होंने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली, हल्की हल्की सफ़ेदी कहीं कहीं दूर दराज मुझे नज़र आ रही है। यालाबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, 24 घंटे हो गए हैं। आज 18 अक्टूबर है 2019 और ठंडी यख हवा चल रही है। शहरी इलाकों में बिलखसूस मैदानी इलाकों में इस वक्त भी गर्मी का राज है। मौसम गो के वहाँ भी तब्दील हो चुका, लेकिन मौसम सरमा का जो आगाज़ है वो अभी तक नहीं। यख बस्ता हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जैसे वादी स्वात में ये चला करती हैं। हाथ ठिठरने वाली सर्दी अभी तो आगाज़ होगा उसका, लेकिन इस वक्त भी इतनी शदीद जो है मेरे हाथ जो हैं वो ठंडे हो गए हैं। खूबसूरत मौसम क्यों लगता है जैसे किसी शायर की गज़ल जो है वो सामने खुली हुई है और ये खूबसूरत मौसम उसकी तर्जुमानी कर रहा। ये खूबसूरत सूरज का ढलता हुआ मंज़र, शाम का पहर करीब है, बादलों में से सूरज कभी निकलता है कभी छुप जाता है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। आसमान पर घटा टोप बादल छाए हुए हैं जो वक्फे वक्फे से यहाँ 24 घंटे से बरस रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी में इजाफा हो गया है। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त वर्ता हैरत में हूँ। वादी स्वात में पहली दफ़ा मुझे कांजू के करीब जो है पहाड़ के साथ काफ़ी सारे बंदर नज़र आए, जो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने स्वात में बंदर देखे हैं, और मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऊपर पहाड़ की तरफ इससे भी ज़्यादा बंदर हैं। तो ये एक खुशाइन बात है कि यहाँ जंगली हयात जो है
ये यहाँ पर परवान चढ़ रही है, इसका मतलब है कि स्वात वाइल्ड लाइफ वाले वो मुतहर्रिक हैं यहाँ माशाल्लाह। तो ये खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ वाइल्ड लाइफ वालों को कि उन्होंने इस चीज़ को जो है प्रोमोट भी कर रहे हैं। यहाँ एक बोर्ड भी लगाया हुआ मुझे नज़र आया है जंगली हयात के हवाले से वाइल्ड लाइफ स्वात का, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। मोजेस टूरिस्ट, मैं यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूँ। वादी स्वात में जब हम लोग एंटर होते हैं तो जो वादी स्वात का पहला बिग सिटी है जो बेस कैंप का दर्जा भी रखता है आगे जाने के लिए मलम जब्बा या कालाम जाने के लिए, और यहाँ स्टे एक रात का ज़रूरी है। जो लोग बिलखसूस जनूबी साउथ पंजाब और कराची सिंध अंदरून सिंध से आ रहे हैं या हत्ता के मुल्क के और मुख्तलिफ इलाक़ों से, तो वो अगर स्टे करना चाहें तो सोनी धरती एडवेंचर्स के पास जो है हमारे पैनल पे मिंगोरा का बहुत ख़ूबसूरत होटल है ये हॉलीडे इन, जिसमें हम वक्त सर्दियों में गर्म पानी अवेलेबल है, वसी इसकी कार पार्किंग है, सामने मस्जिद मौजूद है जहाँ जो जामिया मस्जिद है जुमा भी होता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये व्यू भी बहुत प्यारा है। सराउंडिंग में सारे पहाड़ हैं, यहाँ गर्मियों में भी शहर की निस्बत यहाँ इस इलाके में ओपन इलाका है, यहाँ टेम्परेचर जो है बहुत मुनासिब होता है गर्मियों में भी और बनिस्बत शहर के मिंगोरा सिटी के। तो ये ज़रा मिंगोरा से थोड़ा सा साइड पे बनाया गया है, ख़ूबसूरत जगह है, सामने का व्यू भी बहुत प्यारा है। कमरे लोकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे मार्केट्स हैं और यहाँ खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, यहाँ होटल हैं हमारे पास बहुत अच्छे कुक हैं यहाँ और मुनासिब किराए पर हमारे पास ये अवेलेबल है सोनी धरती एडवेंचर्स के पैनल पर। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहें और बुकिंग करवाना चाहें तो वो भी हमसे रابطہ कर सकते हैं। शुक्रिया।